बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम या इली हक हैदर, आल फ्रेंड, आल व्यूवर्स, आल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो शुरू आज हम करने जा रहे हैं रशियन डव की हंटिंग। इधर इसे लबेड भी बोलते हैं। तो चले करते हैं जी रशियन डव की हंटिंग शुरू। जो भी हमारा स्कोर हुआ आपके साथ शेयर किया जाएगा जी इंशाल्लाह। और आपको बताते हैं कि रशियन डव की हंटिंग किस तरह की। गारी अपनी अपनी पोजीशन पे जा रहे हैं जी, ये देख सकते हैं जी आप। ये एक नन्ना मुन्ना शिकारी भी आया हुआ है जी। कार्टून बेची जी? नहीं कोई नहीं। सलाम लो दिया। पेड़ की हंटिंग हो जी, हो गई है जी शुरू। और देखें जी, सब अपनी अपनी पोजीशन पे जा रहे हैं जी। एक लड़का इधर है इन दरख्तों के नीचे, ये उस्ताद साहब इधर हैं जी, और शहरी और एक लड़का साथ में वो खड़े हैं जी, और एक पार्टी जो कि इधर है जी, और हम इधर खड़े हैं जी। कारी अपने अपने निशिस्तों पे जो के घुम हो चुके हैं जी इस टाइम जी, आप देख सकते हैं। सिर्फ ये शिकारी सामने नजर आ रहे हैं जी, दो शिकारी वो हैं जी, और इस साइड पे हैं जी। अभी तक जो रशियन डव है ये आना शुरू नहीं जी हुई। अभी जी एक हंट की है जी रशियन डव। एक गिराई है जी अभी, ये उसे उठाने जा रहा हूँ जी। ये दिखाते हैं आपको लाइव जी, ये इसके पंख और ये पड़ी, ये देखिए, ये देखिए, ये आंख चेक करें जी। को कहते हैं जी रशियन डव लबेड। इसका शिकार खेलने का क्या तरीका है जी? इसका तरीका जी, दो से तीन दिन आपने चेक करना है कि ये किधर बैठती है। ये बैठती है तकरीबन सेकंड टाइम 5-5:30 बजे, तो आपको इसकी जो बैठने की जगह उसका भी पता चल जाएगा, और कितनी तादाद में आती है वो भी पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर आपने आ जाना 5 बजे, 4:45 पे उस जगह पे आप पहुंच जाएं। जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर इसके आने का टाइम हो जाएगा, जब ये वन बाई वन आती जाएगी और आप शूट करते जाएं। और हम तो इस साइड पे हैं, हमने जो पॉइंट है वो हमारा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, और जिधर दूसरे मेहमान आए हुए हैं वो पॉइंट बहुत माशाल्लाह अच्छा पॉइंट है, उनके फायर अच्छे हो रहे हैं। तो जो शाम को जो शाम को स्कोर होता है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये है कि आपने जब भी इसका शिकार खेलना हो तो आप 2-3 दिन पहले देखें, फिर समझ लें कि 4-4:30 बजे उस जगह पे पहुँचे और अपनी अपनी लोकेशन पे फिट हो जाएं जी। एक और हंट कर लिए जी, तीन हो गई हैं जी, ये देख सकते हैं आप लबेड। देखे ए आई जू तू, एक और गिरा ली है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 हो गई हैं, ये देखे। उनमें कोई शोर नहीं हुई, ये 4 हो गई जी, 4 जी।
ये देखिए चार लबेड़ हो गई। मैं रह गया हूँ जी यहाँ पे अकेला, ये देखें पसीने से भीग चुका हूँ जी। तो तीन और हंटकी हैं, ये देख सकते हैं आप, एक दो तीन चार पाँच छः और सात जी। आप इनकी इकट्ठी वीडियो आपको दिखाता हूँ और जो मुकम्मल स्कोर हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मैंने हंट की हैं ये केले ने जी, ये देखें एक दो तीन चार पाँच छः और सात जी। अल्हम्दुलिल्लाह सेवन रशियन डव जो के शूट कर ली हैं जी, और अभी जो सूरज है ये मुकम्मल तौर पे ग़ुरूब हो चुका है जी, ये आप देख सकते हैं। और अभी जा रहा हूँ जो दूसरे शिकारी भाई हैं जो हंटिंग कर रहे हैं जी उनकी तरफ, और आपको जितना भी स्कोर है आज का वो आपके साथ शेयर करता हूँ जी इंशाल्लाह। उन्होंने शूट किया और ये राइस के फसल में गिरी है, वो उन्होंने उठाई है, वो हैंड में पकड़ी हुई है जी। ये हंट की है जी अभी, और अभी ये आ रही हैं जी, ये देखें मैंने हंट की है जी एट डव जी, ये वाली रशियन डव लबेड़ जी एट, और इस साइड पे जो शिकारी हैं वो फायरिंग हो रही है आपको पता चल रहा है जी। ये देखें सुन सकते हैं आप आवाज़, ये देखें लपेड़, ये देखें ये गई जी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्कोर, मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्कोर होगा जिस तरह से उस साइड पे आवाज़ें आ रही हैं। मैंने अकेले ने एक रेट मारी है और वो जो साइड है उस साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा जो लबेड़ है ये आ रही है रशियन डव जी, जाने हो गई हैं जी और लबेड़ का कर दिया एंड, और इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं दूसरी साइड पे। तो जो भी स्कोर है वो आपके साथ हम करेंगे जी शेयर। और ये है कि मैं अकेले ही था जी, तो इसलिए जो कि मैं वीडियो शूट नहीं जी कर सका इसकी लबेड़ की शूट करते हुए जी, मगर ये है कि आपको ये भी दिखाई है और तरीका भी बीच में बताया, और जो आगे शूट की है वो भी आपको दिखाते हैं जो दूसरे शिकारी भाइयों ने शूट की है जी। फायरों से तो पता चल रहा था जी तकरीबन कोई 40-50 इन्होंने हंट की है। ये हुआ है जी मुकम्मल स्कोर जी लबेड़ का जी। चलो इधर देखो बाबा आपको मोबाइल के बाद मैं लेके जाऊंगा, गाड़ी में आराम से यूज करूंगा। चलो रशियन डव चांदे जाओ नाला।
आज की वीडियो आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पे ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को दुनिया और आखरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त आपका भाई सैयद असमीन आबद गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।